हरिद्वार महाकुंभ शुरू होने में महज महीने भर का समय बचा हुआ है। ऐसे में मेला प्रशासन की तैयारियां भी अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। अखाड़ों में पहुंचने वाले संतों के प्रवास की व्यवस्था और शाही स्नान से पूर्व निकलने वाली सभी 13 अखाड़ों की पेशवाइयों को लेकर आज मेला नियंत्रण कक्ष में कुंभ मेला प्रशासन द्वारा सभी विभागों की बैठक बुलाई गई, जिसमें मेलाधिकारी दीपक रावत ने अखाड़ों में पेयजल आपूर्ति, सफाई और विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को अभी से दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, दो तीन मुद्दे थे। एक तो हमारे जो पेशवाई रूट्स हैं, पेशवाई रूट्स पे एक जॉइंट इंस्पेक्शन सभी डिपार्टमेंट का, पुलिस की ओर से भी, क्योंकि अब CEO सेक्टर वाइज नामित हो गए हैं, उनको लेते हुए एक बार इंस्पेक्शन करने की बात हुई है। पहले भी कर रहे हैं, लेकिन और एक इंक्लूसिव प्लान बन जाए और कहाँ पे जो कमी वो दूर की जाए। दूसरा ऐसा है कि स्पेशली जहाँ पे हमारे अखाड़े हैं या और भी हमारे भवन है जहाँ पे अब साधु संतों का आगमन होगा अलग आश्रमों में भी, उसके आसपास गंदगी ना हो विशेष ध्यान दिया जाए। सीवेज के कनेक्शंस नहीं है तो वो हो जाएं, कहीं पे लीकेज है वो ठीक हो जाए, और बिजली के तार कहीं लटक रहे हैं वो सब ठीक हो जाए। बहुत से डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं उनको कितना रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा तेज करना होगा, तो उसके लिए सबको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और किसी प्रकार की कोई संवादहीनता ना रहे इसके लिए ये भी कहा गया है कि नोडल ऑफिसर्स भी अपॉइंट कर दिए जाए। इसमें मैंने VPWD से कहा है कि इसमें थोड़ा काम में तेजी लाने की आवश्यकता है। लगभग 7-8 किलोमीटर में तो ये इंप्रूवमेंट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी 15-16 किलोमीटर का काम बचा हुआ है। दिन में हालांकि इनको उपयुक्त टेम्परेचर मिल पा रहा है, तो पहला तो मेरा यही कि रात को काम ना करें, जब अच्छा टेम्परेचर मिल रहा है दिन में तभी करें। लेकिन इसमें मैंने अपनी ओर से भी एक उपमेला अधिकारी को डेजिग्नेट कर दिया जो डेली मुझे बता रहे हैं कि पर डे कितनी सड़क बिछ रही है। बिटुमेन वाला काम ये पूरा कर दें, उसके बाद जो बाकी इम्प्रूवमेंट रोड फर्नीचर के काम है वो आराम से भी हो सकते हैं। मेलाधिकारी ने बैठक में सभी विभागों को अपने नोडल अधिकारी नियुक्त कर जन सुविधाओं के दृष्टिकोण से अखाड़ा प्रतिनिधियों से संवाद स्थापित करने के लिए आदेश भी दिए। इसके अलावा सभी पेशवाई मार्गों पर भी अखाड़ों से सहमति लेने के निर्देश दिए गए। हरिद्वार से न्यूज स्टूडियो के लिए सुमित यश कल्याण की रिपोर्ट।